हेलो एंटरेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। मैं सुखदा त्रिवेदी आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ एंटरेट एग्ज़ाम का जो आपका सिलेबस है उसका यूनिट 8 का एक टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैडागॉजी। पहले भी मैंने आपको बताया है ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हमने इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले 4 पार्ट हम लोग इसके प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग बाकी के 3 पार्ट मतलब कि 0.5, 6 और 7 कंप्लीट करने वाले हैं। सो बी रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन। एंड अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में एंटेड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सो प्लीज़ डू जॉइन माई दिस कोर्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। All the details are given in the description. You can download our app and enroll in this course. Now, moving ahead, let me tell you, अगर ये session आपके लिए helpful होता है so please इस session को like ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी तरह और भी जो दूसरे candidates हैं उन तक ये video पहुँच पाए। Now, let's start our today's session. चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द 20th सेंचुरी पैडागॉजिकल डेवलपमेंट। नाउ यहाँ पर देखिए, हम अब 20th सेंचुरी तक पहुँच चुके हैं। 20th सेंचुरी में टीचिंग की कौन सी टेक्निक्स आई जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा टीचर्स को, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। सो एक चीज़ आप समझिए, 19th सेंचुरी तक क्या था, जो पढ़ाने का तरीका था वो मोस्टली जो है टीचर सेंटर्ड होता था और उसमें रोट लर्निंग ज़्यादा थी, ठीक है। सो दिस पीरियड मार्क अ डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल रोट लर्निंग टूवर्ड्स मोर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। सो 20th सेंचुरी का जो अप्रोच है, पेडागॉजिकल अप्रोच है, वो कैसा है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है। ठीक है। नाउ दे एम्फेसाइज एक्टिव लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। की इन्फ्लुएंसेस ऑन पेडागॉजी ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। सो इस समय से टीचर्स ने जो है साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है उनको लर्निंग पर अप्लाई करना स्टार्ट किया। सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन सभी का टीचिंग मेथड्स और लर्निंग प्रोसेस पर काफ़ी गहरा प्रभाव रहा। उसी में सबसे पहले एक आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागॉजी। नाउ व्हाट इज़ दिस कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागॉजी? कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागॉजी के लिए जाना जाता है साइकोलॉजिस्ट जीन प्याजे, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है कोर्स में, एंड लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। पॉइंट्स द लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन ऑन दोज एक्सपीरियंस। तो इनका क्या कहना था, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि कंस्ट्रक्ट करके खुद चीज़ों को सीखना, है ना। सो इनका ये कहना है कि नॉलेज बच्चा खुद एक्सपीरियंस करे और फिर उससे सीखे, ठीक। सो गेन द एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्ट ऑन दोज एक्सपीरियंस। सो ये किसका मानना था, ये मानना था लेव वाइगोत्स्की एंड जीन प्यासे का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि की कॉन्सेप्ट्स क्या निकल करके आए इन थ्योरीज, जो थ्योरीज इन्होंने दी थी। थ्योरी हमने अलग से डिटेल में पढ़ी हुई है, बट इनके जो थ्योरीज के की पॉइंट्स थे उनको यहाँ पर देखेंगे हम लोग। एक्टिव लर्निंग, ठीक है। सो जो कंस्ट्रक्टिविज्म पैडागॉजी है उसके ये की पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सो राइट, लिखिएगा वहाँ पर एक्टिव लर्निंग। व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस वेयर स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन देयर करंट और पास्ट नॉलेज। जो अभी अभी जो ज्ञान हुआ है या पहले जो ज्ञान है उस पर बेस्ड, उस पर बिल्डअप जो नॉलेज आता है वो भी बच्चे के इन्वॉल्वमेंट से, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन से, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव लर्निंग। देन स्कैफोल्डिंग, ये किससे रिलेटेड है, लेव वाइगोत्स्की से, है ना। सपोर्टेड प्रोवाइडेड बाय टीचर टू हेल्प लर्नर अचीव अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ बच्चा जानता है बट अब उसे एक हायर लेवल पर जाने के लिए अब किसी एक गाइड की ज़रूरत है, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी अ टीचर। सो दैट इज कॉल्ड द स्कैफोल्डिंग, जब हम किसी की मदद से एक अपर लेवल पर पहुंचते हैं या हमें कोई चीज़ अंडरस्टैंड होती है। फिर देन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइगोत्स्की's आइडिया दैट स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन वर्किंग स्लाइटली बियॉन्ड देयर इंडिपेंडेंट एबिलिटी।
विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल पीयर और इंस्ट्रक्टर. सो वो क्षेत्र जहाँ पर एक स्टूडेंट को, एक लर्नर को किसी और मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प चाहिए होती है, वही क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. देन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, अ मैथड वेयर स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेट, कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज रेदर देन पैसिवली रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, टीचर पोजेस क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन. सो इन दैट प्रोसेस दे इन्वेस्टिगेट, दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. That is the inquiry-based learning. Now, the social learning that we learn from the society, right? From the collaboration and from the social interaction. So, क्या कहना है यहाँ पर कि 20th century में social learning जो pedagogy है उसमें ये कहना है कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो society से collaborate करके, social interaction से वो सीखते हैं. So, these are the main concept of constructivism. ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा क्लासरूम पर. सो शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर्ड लेक्चर टू स्टूडेंट सेंटर्ड डिस्कशन, ग्रुप वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज. जो फोकस था वो अब टीचर से हट के किस पर आ गया है, स्टूडेंट्स पर आ गया है. नाउ स्टूडेंट विल बी मोर एक्टिव. पहले क्या होता था, टीचर्स ज़्यादा एक्टिव हैं इन द लेक्चर, इन राइटिंग, है ना, इन एक्सप्लेनिंग. बट अब स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव हैं, टीचर्स आर गोइंग टू बी द गाइड और फैसिलिटेटर फॉर देम. राइट, नाउ ग्रुप डिस्कशंस होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज होगी, टीचर एज फैसिलिटेटर रेदर देन द सोल नॉलेज प्रोवाइडर, एम्फेसिस ऑन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड सेल्फ असेसमेंट. वो खुद को असेस कर पाते हैं पहले वो क्या थे और अब क्या हैं, एंड दे कैन रिफ्लेक्ट कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे बिल्डअप होता है. ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट, है ना, क्रिटिकल इंक्लूसिव पैडागॉजी. सो लेट 20th सेंचुरी से जो स्टार्ट हुआ है क्रिटिकल पैडागॉजी, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हालांकि ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक भी हमने पढ़ा है डिटेल में. क्रिटिकल पैडागॉजी इन्फ्लुएंस बाय द वर्क ऑफ पॉल फेरारे, देन फोकसेज ऑन एम्पावरिंग स्टूडेंट टू क्वेश्चन एंड चैलेंज सोशल स्ट्रक्चर, इंकरेजिंग सोशल जस्टिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. सो ये जो क्रिटिकल पैडागॉजी है ये कहती है कि चीज़ों को एज इट इज़ नहीं मान लेना है. स्टूडेंट शुड हैव राइज टू क्वेश्चन एंड चैलेंज सोशल स्ट्रक्चर्स. ऐसा है तो क्यों है, है ना, ये जो भी चीज़ है वो ऐसी है, ऐसी क्यों नहीं हो सकती. सो स्टूडेंट मस्ट गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन एनीथिंग, राइट, क्वेश्चन कर पाए एंड देन दे बिल्ड अप दिस कम्युनिटी, है ना, और द सोसाइटी. सो इंकरेजिंग सोशल जस्टिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसा नहीं है कि बस आपको कोई सोशल रूल बता दिया गया और फिर आप उसे फॉलो करने लगेंगे. ओके, नाउ की फीचर्स क्या हैं यहाँ पर, डायलॉग बेस्ड लर्निंग होती है, है ना. सो प्रमोट डायलॉग्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट टू को कंस्ट्रक्ट नॉलेज. डायलॉग्स होंगे तब देखिए बात से बात होती है तो काफ़ी चीज़ें निकल करके आती हैं, काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं. दैट इज़ वाई डिस्कशन इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, डिबेट इज़ इम्पॉर्टेंट. हमें चीज़ों के अलग अलग पहलू, पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं. देन क्रिटिकल थिंकिंग इनकरेजेस स्टूडेंट टू क्रिटिकली एनालाइज सोशल नॉर्म्स, पावर स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन. कहने का मतलब यहाँ है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये चीज़ डेवलप करती है कि जो भी सोशल नॉर्म्स हम मान रहे हैं, है ना, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्यों ऐसा किया जा रहा है. जैसे कि सती प्रथा की हम बात करें, सो क्रिटिकल थिंकिंग के व्यू से अगर हमने उसे देखा तो हमने उस सोशल नॉर्म्स को गलत माना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी लेडी का हस्बैंड अगर उसकी डेथ हो जाती है तो अगर वो चिता पर जल रहा है तो उसके साथ उसकी वाइफ भी जाएगी. सो दैट्स नॉट गुड, राइट. सो पहले क्या कर रहे थे लोग, उस चीज़ों को बस क्योंकि सोसाइटी में चल रहा था विदाउट एनी क्वेश्चनिंग दे आर फॉलोइंग दैट. बट नहीं, जब हम पढ़ते हैं हमारे अंदर समझ डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग जैसी चीज़ें डेवलप होती है, सो वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. सो बस इस तरह की टीचिंग से, क्रिटिकल पेडागॉजी से बच्चों में यही चीज़ें डेवलप की जा रही है कि कुछ भी अगर आपके सामने रखा जा रहा है सो फर्स्ट यू आस्क योर सेल्फ कि क्या पीछे इसके रीज़न हो सकता है. नाउ लिबरेशन थ्रू एजुकेशन. एजुकेशन इज़ अ टूल फॉर सोशल चेंज एम्ड एट एड्रेसिंग इनइक्वालिटी, प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक
पार्टिसिपेशन. सो लिबरेशन, आज़ादी, डेमोक्रेसी जैसी थॉट जो है एजुकेशन से डेवलप की जा रही है वाया क्रिटिकल पैडागोजी. क्लासरूम एप्लीकेशंस क्या हैं इसके? नाउ क्रिएटिंग अ क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर डाइवर्स व्यू पॉइंट्स आर वेलकम्ड एंड एक्सप्लोर. तो क्लासरूम आपका कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा कि बस डर के चुपचाप बच्चे बैठे हुए हैं, है ना. या अगर मान लो दो बार बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो टीचर भड़क जाएगा. नहीं, मेथड ही टीचिंग की यह है दैट स्टूडेंट हैज टू दे हैव टू आस्क क्वेश्चन, है ना. सो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों से निकल करके आएंगे. वेलकमिंग क्लास होगी जहाँ पर क्वेश्चंस को वेलकम किया जाएगा एंड दे कैन एक्सप्लोर मोर. इंकरेजिंग स्टूडेंट टू लिंक एकेडमिक नॉलेज विद द रियल वर्ल्ड इशू एंड एक्टिविज्म. रियल वर्ल्ड से आप नॉलेज को कनेक्ट कर पाएंगे. करिकुलम डिजाइन अराउंड स्टूडेंट लिव्ड एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटी इश्यूज. और जो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं या आने वाले समय में जो एक्सपीरियंसेस होंगे, उनकी कम्युनिटी कैसी है, किस कल्चर से वो आते हैं, उस तरह का क्लासरूम में जो है करिकुलम डिज़ाइन करके दिया जाएगा. करिकुलम इज़ व्हाट व्हाट दैट इज़ करिकुलम इज़ नॉट द सिलेबस, राइट. जो हम पढ़ रहे हैं वो करिकुलम नहीं है. करिकुलम इज़ द सम ऑफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, करिकुलम इज़ इक्वल टू सिलेबस प्लस ऑल द एक्सपीरियंस यू गेन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना. कुछ लोग इसको इंस्टीट्यूशन अरे डायरेक्टली बोल देते हैं करिकुलम इज व्हाट, करिकुलम इज सिलेबस. नो इट्स नॉट, ठीक है. सो इंक्लूसिव पैडागोजी, इंक्लूसिव पैडागोजी एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट पॉइंट, है ना. सो यहाँ पर मैं इसको इंक्लूसिव पैडागोजी एम टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड एबिलिटी एंड नीड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड. सो जो लेट 20th century है उसमें एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आया जो कि है इंक्लूसिव पैडागोजी. नाउ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंक्लूसिव पैडागोजी क्या है? एक ऐसा क्लासरूम जिसमें हर तरह के बच्चे हों, वेदर दे आर डिफरेंटली एबल्ड, वेदर दे आर नॉर्मल, वेदर दे आर हैविंग डिफरेंट स्किन कलर, दे आर हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड, दे कम फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी. सो हर तरह का बच्चा एक क्लासरूम में होना चाहिए उन्हें जब हम पढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंक्लूसिव पैडागोजी, ठीक है. नाउ की कॉन्सेप्ट्स क्या है इंक्लूसिव पैडागोजी के पीछे, है ना. सो इक्वालिटी इन एजुकेशन, फोकसिंग ऑन फेयरनेस बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टेलर्ड टू ईच स्टूडेंट्स नीड. तो यहाँ पर आपके इंक्लूसिव पैडागोजी में क्या कहा जा रहा है कि हर एक तरह की नीड वाला बच्चा आपकी क्लास में होगा. नाउ यहाँ पर जो आप एजुकेशन देंगे दैट कांट बी जनरलाइज्ड, है ना, जो सब बच्चों पर एप्लीकेबल हो जाए, बिकॉज दे आर हैविंग अ डिफरेंट नीड. यू आर नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, एन अप्रोच दैट डिज़ाइन लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर. कुछ ऐसी लर्निंग डिज़ाइन बनाई जाए जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी अप्रोच बनाई जा सके. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मीन्स अडॉप्टिंग टीचिंग मैथड एंड मटीरियल टू अकोमोडेट अ वेराइटी ऑफ लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट. कुछ इस तरह की टीचिंग स्टाइल्स, टीचिंग मैथड्स आपको इंकॉर्पोरेट करना है अपने इंस्ट्रक्शन में कि वो हर एक बच्चे की नीड को फुलफिल करे. अब यहाँ पर मेरा क्या मतलब है, हमने लर्निंग स्टाइल्स पढ़ी है, राइट. अब बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं. सो आपकी जो इंस्ट्रक्शन मैथड होनी चाहिए उसमें हर एक मेथड, उसमें मेथड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि वो जो चार तरह के लर्नर्स हैं, है, उन सबकी रिक्वायरमेंट, उन सबकी नीड फुलफिल होनी चाहिए. सो आपको अपनी इंस्ट्रक्शन मेथड्स को कुछ ऐसी इस तरह से डिज़ाइन करना है कि मैक्सिमम लर्नर्स की रिक्वायरमेंट उसमें
पूरी हो जाए. नाउ कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग रिकॉग्नाइज एंड इनकॉर्पोरेटिंग स्टूडेंट्स कल्चर बैकग्राउंड इनटू द लर्निंग प्रोसेस. नाउ जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप उनका कल्चर समझते हैं, उनका बैकग्राउंड समझते हैं, व्हेन यू गिव सिमिलर एग्जांपल टू देम, है ना, सो दे फील कनेक्टेड, दे गेट मोर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, जैसे कि अगर आप पढ़ा रहे हैं बिहार के बच्चों को, लेट्स से, है ना, तो आप वहाँ का ही कोई एग्जांपल देंगे तो दे फील मोर कनेक्टेड इन कंपैरिजन टू आप साउथ का कोई एग्जांपल दे दें या मध्य प्रदेश का कोई एग्जांपल दे दें. ठीक है, तो कल्चर अगर आपको पता है, यू आर अवेयर अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, कल्चर ऑफ द स्टूडेंट, सो यू विल गेट मोर कनेक्शन विथ योर स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, इसका प्रभाव क्या रहेगा. सो इंक्रीज अवेयरनेस एंड अकोमोडेशन ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज. बच्चों में देखिए, जब एक डिसेबल्ड बच्चा हमारी क्लास में होगा, या डिसेबल्ड इज नॉट द राइट टर्म, डिफरेंटली एबल्ड, है ना, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट जब हमारी क्लासरूम में होता है, सो दे गेट द आइडिया कि नॉर्मल लोगों के साथ सोसाइटी में कैसे वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं. एंड द सेम वर्क विद द नॉर्मल स्टूडेंट. नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी समझ में आता है कि अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट हमारे साथ है, मतलब अगर किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, और वो हमारे साथ बैठा है और द सेम एजुकेशन वो ले रहा है, तो उसके साथ हमें किस तरह का बिहेव करना चाहिए, किन किन तरह की प्रॉब्लम्स को से उनको जूझना पड़ता है, है ना. सो दे गेट अवेयरनेस एंड दे गेट अकोमोडेटेड. सो इससे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बहुत ईजी हो जाएगा जब बच्चे शुरुआत से ये सारी चीज़ें देखेंगे, है ना. बच्चों की स्टेज कुछ ऐसी होती है कि आप जब उन्हें मोल्ड कर सकते हैं उनके बिहेवियर को, आप बड़े होते चले जाएंगे तो बिहेवियर मोल्ड करना मुश्किल होता चला जाता है. ठीक है, सो उनमें बचपन से ही सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन जैसी चीज़ें आएंगी तो आगे भी वो चीज़ें कंटिन्यूड रहेंगी. करिकुलम एडजस्टमेंट टू रिफ्लेक्टिव डाइवर्स कल्चरल परस्पेक्टिव्स एंड हिस्टोरीज. कहने का मतलब वही है कि आपका जो करिकुलम होना चाहिए वो डाइवर्सिटी लिए हुए होना चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी बायस एंड एंटी रेसिस्ट एजुकेशन प्रैक्टिसेस. तो इस तरह की प्रैक्टिस आपके एजुकेशन में होनी चाहिए जिससे कि बायसनेस ना समझ में आए, है ना, रेसिस्टनेस समझ में ना आए. देन लास्ट इज द कंटेम्प्रेरी पैडागोजिकल इनोवेशन. क्या नया कुछ अभी चल रहा है. नाउ दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी. सो पैडागोजी में टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है, वहीं से कुछ नई नई मैथड्स भी निकल करके आई हैं. सो टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग. द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड पैडागोजी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरैक्टिव, पर्सनलाइज्ड इन एनी टाइम एनी वेयर लर्निंग. तो ये हम जान रहे हैं इस बात को, मोर इंटरेक्टिव हो गई है टीचिंग, पर्सनलाइज हो गई है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलेंगी, एंड कहीं पर भी कभी भी आप लर्निंग कर सकते हैं. दैट इज़ द की पॉइंट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पेडागोजिकल मैथड्स, राइट. अब इसमें कौन कौन सी मैथड्स हैं ये देखते हैं. ब्लेंडेड लर्निंग, इट्स अ कॉम्बाइंड फेस टू फेस एंड ऑनलाइन लर्निंग, अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज. देखिए, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, इसमें आपको कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन पढ़ाए जाते हैं, कुछ लेक्चर्स फेस टू फेस पढ़ाए जाते हैं, दैट इज ब्लेंडेड. ठीक है, फ्लिप्ड क्लासरूम, स्टूडेंट एक्सेस लेक्चर एंड कंटेंट एट होम. इसमें क्या होता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों को वीडियो के फॉर्मेट में दिए जाते हैं, वो अपने घर पर बैठ करके इन्हें आसानी से समझ सकते हैं. नाउ जब उनका बेसिक नॉलेज बिल्डअप हो जाता है, देन दे कम टू स्कूल और द कॉलेज, और फिर उस नॉलेज के ऊपर जो अदर अंडरस्टैंडिंग लेवल है या फिर कोई उन्हें डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए वो फेस टू फेस इंटरेक्शन में आते हैं. सो क्लासरूम टाइम इज डेडिकेटेड टू इंटरेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. समझ में आई बात. बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वीडियो के फॉर्मेट में दे दिया, अब जब आप वो समझ चुके हैं तो अब आपको स्कूल आना है, उस पर हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे, और कोई डाउट है तो वो सॉल्व होंगे. Adaptive learning system. Use AI to personalize learning experience by adjusting the difficulty based on students' performance. So, adaptive learning system क्या है? It's actually personalized one. AI तो अभी आया है, पहले भी था इसमें कुछ coding के through. इसमें कुछ ऐसा होता है, आपने ऐसा
क्विजेज़ वगैरह कुछ अटेम्प्ट भी किए होंगे अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो. जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया, आपने उसको रीड किया, फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए क्विजेज के फॉर्मेट में, MCQs के फॉर्मेट में. आपने उनको आंसर किया, आपका आंसर सही गया तो आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, मतलब कि वेल डन, ब्रेवो, एक्सीलेंट टाइप के कुछ वर्ड्स आएंगे और आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ा दिया जाएगा, है ना. सो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ 5-6 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे. अब अगर आप इन कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये 5-6 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए, देन क्या होगा? देन दिस AI विल ऑटोमेटिकली विल ब्रिंग यू अगेन एट द फर्स्ट पार्ट. वापस आपको उस पैराग्राफ पर लेकर के जाएगा, या फिर आपके लिए कोई एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करेगा, आपको कुछ और एक्स्ट्रा वीडियो या कुछ और एक्स्ट्रा टेक्स्ट वो पढ़ने के लिए देगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि आपने कुछ गलतियां करी हैं, मतलब ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है. सो अडैप्टिव लर्निंग इज जस्ट लाइक दैट. अगर आपने पैराग्राफ पढ़ने के बाद सही आंसर दे दिया तो आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, नहीं दिया तो आपको कुछ हिंट या सपोर्टिव मटेरियल दे करके फिर से उस पैराग्राफ का नॉलेज गेन करने को कहा जाएगा, ठीक है. तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसमें डिसाइड होगा. देन द गेमिफिकेशन. गेमिफिकेशन इज वॉट? अप्लाइंग गेम डिजाइन प्रिंसिपल इन एजुकेशन टू इंक्रीज इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन. जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो गेम्स के डिजाइन में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है. जैसे कि ये अक्सर आपको छोटी क्लासेस में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर ये देखने को आपको नहीं मिलता है, जिसमें गेम के फॉर्मेट में बच्चों को नंबर्स, कलर्स या जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, फ्रैक्शन हो गया, टाइम पढ़ना, ये सब सिखाया जाता है. सो गेम्स का, गेम प्रिंसिपल्स का यूज़ करना इन द एजुकेशन, दैट इज़ गेमिफिकेशन. नाउ इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, जस्ट अ सेकेंड. इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, ग्रेटर पर्सनलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग पाथ्स. पर्सनलाइज्ड ज़्यादा है ये, है ना, टेक्नोलॉजिकल है इसलिए पर्सनलाइज्ड. इनहेंस्ड कोलेबरेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसमें कोलेबरेशन बहुत ईजीली हो जाएगा. एबिलिटी टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन रियल टाइम यूजिंग लर्निंग एनालिटिक्स. और आप अपने स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, है ना, कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, या इम्प्रूवमेंट आप में हुआ है या नहीं हुआ है. देन फिर है इसी में कंटेम्प्रेरी में ही दूसरा पार्ट है एक्सपीरियंशियल और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट एंड रिफ्लेक्शन. एग्जाम्पल इंटर्नशिप कराना, फील्ड वर्क या सर्विस लर्निंग, ये सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग है. देन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व स्टूडेंट ऑन अ प्रोजेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कल्मिनेट्स द फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रेजेंटेशन. सो PBL इनकरेजेस कोलेबरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसीलिए आपने देखा होगा आजकल स्कूल्स में या कॉलेजेस में एक प्रोजेक्ट तो बच्चों से बनवाया ही जाता है, ठीक है. सो थ्रू दैट दे लर्न हाउ टू कोलेबरेट विथ अदर्स. दूसरी जगह पर जाना, वहाँ पर उनसे बात करना, फिर वहाँ से डाटा लेकर के आना, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं, राइट. ओके, एक और बचा है अभी. बेनिफिट्स क्या है इसका? दैट डेवलप रियल वर्ल्ड स्किल्स, कैसे टीम में वर्क किया जाता है, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी सीखते हैं, ओके. देन इनकरेजेस डीपर अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. तो क्योंकि देखो, चीज़ों को सीख लेना एंड देन टू अप्लाई देम इन द रियल वर्ल्ड, वो प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ज़्यादा सपोर्ट करता है. फिर है आपके पास कोलेबरेटिव एंड पीयर लर्निंग. नाउ व्हाट इज दिस कोलेबरेटिव और अ पीयर लर्निंग? या कोलेबरेशन बिटवीन स्टूडेंट हैज़ गेन्ड एम्फेसिस इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन. पीयर पीयर इंटरेक्शन फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. पीयर मीन्स द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो साथ में पढ़ रहे हैं, दैट आर कॉल्ड पीयर, है ना. सो कोलेबरेटिव, साथ में मिलना, मतलब कि ग्रुप स्टडी करना, आप इसको ये भी कह सकते हैं. तो आपने देखा होगा कुछ कॉन्सेप्ट जो आपकी टीचर आपको नहीं समझा पाई, आपके दोस्त ने बताया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड द पीयर लर्निंग, ठीक है. सो शेयरिंग ऑफ नॉलेज इसमें होता है, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है. की फीचर्स क्या है इसके? कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेट करते हैं हम.
स्टूडेंट एक्टिविटीज़, स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू अचीव लर्निंग गोल. एक ही गोल की तरफ जब हम अचीव करने के लिए चलते हैं एक से ज़्यादा लोग, सो द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं. पीयर ट्यूटरिंग, स्टूडेंट टेक टीचिंग रोल हेल्प अदर वाइल री इन्फोर्सिंग अदर टू अंडरटेक अंडरस्टैंडिंग. सो पीयर ट्यूटरिंग, ओके. आउटकम्स क्या है इसका? फॉस्टर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल, बिल्ड सोशल इमोशनल स्किल बाय डेवलपिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव. सो एम्पैथी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें किससे डेवलप होती हैं? पीयर लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग से, ठीक है. सो ये हमारा पैडागॉजिकल आप कह सकते हैं डेवलपमेंट था, किस तरह से पैडागॉजी डेवलप हो करके आज जो AI बेस्ड मेथड चल रही है वहाँ तक पहुँचा है. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट. ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन. सून वी विल मीट इन टू द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.